तो आज के हमारी इस क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं एक्सेल फॉर्मुलेज के बारे में। फॉर्मुलेज फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। हमारे साथ सुरेंद्र जी है और सुनील जी है। सुनील जी, रिकॉर्डिंग फैसिलिटी को पूरा दे दिया मैंने, रिकॉर्डिंग कर लीजिए क्लास की, और मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन फॉर्मूले। क्या है कि सर, आप एक्सेल में किसी भी तरह की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फंक्शन इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ, आप फॉर्मूला बार में जाते हैं तो आपके सामने अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे फॉर्मूले दिखेंगे। ये फॉर्मूला कैलकुलेशन के ऊपर होता है, कई सारे कैटेगरीज है। हम अगली कुछ क्लासेस में इसी कैटेगरीज की बातचीत करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम बात करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होता है, किसको जानिए। जैसे हमने कुछ नंबर दिया, 20, 30, 40, 40, तरह से कुछ नंबर्स है, तो हम इसको सम करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेल का जो सम फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। या दूसरा हम क्या करेंगे कि हम 20 + 30 + 40 करेंगे और ये हमारा 90 रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट जो है हमारा सम फंक्शन से भी आया हुआ है और हमारा इससे भी आया हुआ है। ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या है इस चीज को जानते हैं। तो सम फंक्शन क्या है, हमारा इनबिल्ड फॉर्मूला है, एक्सेल का इनबिल्ड फॉर्मूला है, आपने अप्लाई किया। लेकिन हर तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला इनबिल्ड हो इसकी कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसे फॉर्मूले हो जिसके लिए कैलकुलेशन आपके अकॉर्डिंग ना हो या हो ही ना हो। तो हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करने का, जैसे कि यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड पावर। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड पावर लिखा है सर, ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं। अब चलिए कुछ मैथमेटिकल फंक्शन को हम इसमें करते हैं, जैसे कि क्वार्टर वन है, क्वार्टर टू है। क्वार्टर वन की सेल 30 है, क्वार्टर टू की सेल 40 है। अब मुझे इसका ग्रोथ निकालना है। अब ग्रोथ के लिए एक्सेल में फॉर्मूला है, बट मुझे नहीं पता या है भी नहीं, आइडिया नहीं है, बट मेरी मैथमेटिक्स अच्छी है और मुझे पता है कि मैथमेटिक्स में ग्रोथ इक्वल टू होता है लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। ये होता है ना सर, मतलब कि क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन। अब इस मैथमेटिकल फंक्शन को हम एक्स यहां पे इसमें परफॉर्म करते हैं, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। तो सुनील जी बताइए, फॉर्मूला परफेक्ट है या कुछ गड़बड़ है इसमें, क्या है फॉर्मूला रिजल्ट देगा। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, सुनील जी। हेलो, बोलिए, सुन रहा हूं मैं आपको। ये फॉर्मूला परफेक्ट है या कुछ गड़बड़ है, सुंदर जी क्या लग रहा है, फॉर्मूला एंटर मारने पर रिजल्ट सही देगा? नहीं देगा सर। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सर पहले हमें उस जो माइनस वाला है वो पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जी हाँ, बोर्ड मास मेथड, मतलब कि कैलकुलेशन सीक्वेंस। यहाँ देखिए 39 दिख गया। तो इसकी प्रोसेस को समझिए, एवलेट पे जाके देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, तो पहले डिवाइड हो रहा है, क्योंकि बोर्ड मास मेथड कहता है कि पहले ब्रैकेट देन डिवाइड देन माइनस देन प्लस। तो आप जब भी कैलकुलेशन करें इनके बीच में आप क्या करें, इन्वर्टेड कॉमा जरूर, सर इन्वर्टेड मत कीजिएगा, ब्रैकेट का जरूर दे, बगैर ब्रैकेट का दिक्कत होगा। अब इसमें परसेंटेज का सिंबल लगा सकते हैं।
तो इस तरह की कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसकी जरूरत क्या है, पहले चीज को जान लीजिए। तो ऑफिस में हम लोग काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसी कैलकुलेशन आती है जिसके लिए फॉर्मूला तो होता है, लेकिन इसमें कई सारे ऐसे काम होते हैं, कई सारे ऐसे कैलकुलेशन होते हैं जिसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल ही नहीं होता है। लेकिन फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग अपने मैथमेटिकल स्किल्स से, मैथमेटिकल स्किल्स से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, मैथमेटिकल स्किल्स से हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसलिए मैथमेटिकल फॉर्मूला अपनाते हैं और इसमें हम अपने कुछ और कैलकुलेशन करते हैं। जैसे प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम। प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम। तो प्रिंसिपल मान लीजिए 50,000 है, रेट मान लीजिए 10% है और टाइम मान लीजिए 3 साल है। मुझे इस पे अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट मतलब इसके लिए ऑलरेडी फंक्शन है, मुझे इसकी कैलकुलेशन पे ट्रस्ट नहीं है या कैलकुलेशन जो तरीका चाहिए वो नहीं है। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1+r/n(t)/n। अब इसमें n क्या है, n इक्वल टू 12 है, मतलब कि ईयरली कैलकुलेशन है इसलिए 12 है, मंथली कैलकुलेशन मतलब। तो कैसे करें इसको कैलकुलेशन, अब इसमें प्रॉब्लम एक है कि हम इसको एक साथ भी कर सकते हैं। कैसे देखिए, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 divided by 12 power of multiplied by 12 और इसको सबको ब्रैकेट में दे देते हैं। और एंटर मारते हैं। कैसे आया, अब इससे गलती कुछ हुई है, एक बार देखते हैं क्या हुआ। ओ हाँ, हमने एक छोटा सा ब्रैकेट यहां मिस कर दिया है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। अब रिजल्ट आया तो इससे से ब्रैकेट छूट गया। अब मैं तो एवेलेट करके समझ गया कि ब्रैकेट कहाँ पे छूटा हुआ है, बट आप लोगों को दिक्कत हो सकती है इस तरह की ब्रैकेट तो बाकी जीओ पे। तो क्या थे? तो इसके लिए हम करेंगे यहां पे कि हम इसको तोड़ेंगे, हम करेंगे यहां पे आर मल्टीप्लाई बाय R divided by 12 then equal one plus R divided by हो गया। उसके बाद हमें टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, फिर इन दोनों के बीच में हम पावर देते हैं और फिर हम इनको
प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। डाना रिजल्ट आया, मतलब हमने क्या किया, पहले इसको डिवाइड बाय 12 कर दिया ताकि मुझे मंथली रेट मिल गया। फिर यहाँ पे है 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन, इसमें हमने 1 प्लस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका, इसको मल्टीप्लाई किया 12 से तो यहाँ 36 आ गया। और फिर इन दोनों का पावर ले लिया और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लियर है सर? को डाउट इसमें? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने यहां एक सेल में किया हुआ है, तो इस सब को भी हमें एक सेल में करना चाहिए। अब यहां पर नई चीज आप सीख रहे हैं, फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। आगे चल के बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले हमें लगाने होंगे। बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले लगाने होंगे तो क्या करेंगे? तो वो एक सेल में होना चाहिए। अब इसको हम एक साथ में ही करते हैं। यहां देखिए, और यहां पे हम D16 में हम पेस्ट करते हैं। फिर इसको कॉपी करेंगे हम, सी यहां पे क्या है, E16 को सेलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया। और यहां भी हम सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और जहां E16 है इसकी जगह हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और जहां पे G16 है उसके जगह पेस्ट कर देते हैं। अब मैं अगर इसको इस यहां पे है C13 है, हमने C13 को कॉपी किया, यहां पे C13 कहीं पे है वहां पे पेस्ट कर दिया ब्रैकेट में। ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट में ही पेस्ट करना है हमें। गड़बड़ हो गई। C13 का है, हम गलती कर रहे थे, ये था F16, यहाँ पे F16 यहाँ हो गया। अब मैं डिलीट करता हूँ तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। अब इसको कट कीजिए, जहाँ डालना है वहाँ पे डाल दीजिए। तो एक फार्मूला हमने लगाया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। फिर हमने फार्मूला को अलग अलग सेल में लगाया, फिर उसको एक सेल में मर्ज कर दिया। अब ऐसा हो सकता है कि ये आपको आसान लगे कि भाई इसको तो किया जा सकता है, कौन सा बड़ी बात है। तो अभी जो अगला एग्जाम्पल हम बता रहे हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। देखिए, हमें किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट 50 है और मुझे उसकी MRP निकाल ली है, राइट? तो कैसे निकालते हैं? मैनुअली निकालते हैं कि पहले इसका 5% होगा, फिर हम क्या करेंगे इसमें प्लस 25 कर देते हैं, आ गया। फिर इसका 10% होगा मल्टीप्लाई बाई, और 10% जो है डिस्ट्रीब्यूटर अपना कमीशन लेगा और होलसेलर को दे देगा। होलसेलर अपने खरीद का 15% का कमीशन रखेगा और डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा।
डिस्ट्रीब्यूटर जो है अपने खरीद पे वो जो है 20% होलसेलर तो रिटेलर 20% कमीशन रखेगा और वो कंज्यूमर को दे देगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर है उसने 5% कमीशन लिया और डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया 52 रुपये से। डिस्ट्रीब्यूशन ने अपने खरीद से 10% कमीशन लिया और दे दिया किसको, होलसेलर को। होलसेलर ने अपने खरीद से 15% कमीशन रखा और दे दिया रिटेलर को। रिटेलर ने अपने खरीद से 20% कमीशन रखा और दे दिया मैन्युफैक्चरर इसको कंज्यूमर को। लेकिन ये देखिए इतने सारे सेल्स थे, मुझे यहाँ एक सेल पे चाहिए। अब चलिए हम इनको आपस में मर्ज कर देते हैं, मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखेगा। इसमें क्या है कि तो ये जो आपका हमारा जो है इक्वल कॉपी नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा C20 का फॉर्मूले को कॉपी कर लिया और यहाँ C20 जहाँ था वहां पे ब्रैकेट में पेस्ट कर दिया। अब मैं C20 को डिलीट कर सकता हूँ। उसके बाद है C21 का फॉर्मूला ब्रैकेट के बाद हमने इक्वल के बाद हमने कॉपी कर लिया और यहाँ है C21, तो ब्रैकेट में C21 के जगह पे C20 का फॉर्मूला डाल दिया। रिजल्ट चेक करते रहेगा, रिजल्ट चेंज ना हो चेंज हो मतलब जिससे आपने गलती किया है। फिर इसको पेस्ट किया, बाद में इसको डिलीट कर सकता हूँ, इसको भी डिलीट कर सकता हूँ। इसको डिलीट नहीं होगा क्योंकि इसी हमने कॉपी नहीं किया। यहाँ पे D20 के जगह पे D20 का फॉर्मूला हमने पेस्ट किया, अब D20 को डिलीट कर सकता हूँ। अब यहाँ D20 के फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ और यहाँ D21 के जगह पे D21 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया और यहाँ भी D21 है इसका फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं, इसको डिलीट करते हैं और फिर वापस इसमें आते हैं। हम इसको कॉपी करते हैं, इसके जगह पे E20 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब यह आता है E21 का फॉर्मूला हमने यहाँ से कॉपी किया और जहाँ E21 है वहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ भी हमारा E21 है, उसके जगह पे उसका फॉर्मूला पेस्ट हो गया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर वापस इस पर आता हूँ और इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे F20 के जगह पे F20 का फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं। अब इसको डिलीट करता हूँ, अब इसको कट करके जहाँ रखना है वहाँ से कॉपी मत कीजिएगा, कट कीजिएगा। अब क्या लग रहा है सुनील जी, इतना लंबा फॉर्मूला लिख पाते? हेलो नहीं सर, मैन्युअली करने में तो काफी ज्यादा फिर दिक्कत रहती है, यही वे ठीक है जी हाँ। तो जो फॉर्मूला मर्जिन मेथड बताया उसमें क्या था कि हम कई फॉर्मूले को पहले एवरेज कर लें, कि पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले थोड़ा 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 पार्ट में, फिर उसको हम आपस में एक जगह पे कुलेट कर लेंगे, समझे? ठीक है। और सिर्फ इसी के लिए नहीं, आगे चल के भी बहुत सारे फॉर्मूले जो एक्सेल वर्कशीट के फॉर्मूले हैं, एक्सेल वर्कशीट फॉर्मूले को भी मैंने आपको इसी तरह से करना है, ठीक है? तो इससे क्या हुआ कि आप चार लाइन की फॉर्मूला, दस लाइन की फॉर्मूला ऑटोमेटिक इसमें लिख सकते हैं। यह हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो कि एक्सेल में यूज किया जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड पावर। और इसकी मदद से आप जैसे मर्जी जिस तरह का मर्जी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई दिक्कत सर? हेलो चंद्र जी? नहीं नहीं सर, बोलिएगा सर। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके पास सम का फॉर्मूला था तो आपने फॉर्मूला लगा लिया, लेकिन ऑफिस में बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन है जिसके फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होता है, जैसे कि कमीशन कैलकुलेशन होता है, इंसेंटिव कैलकुलेशन होता है, ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं जिसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है? उस केस में क्या करेंगे?
केस में इसी तरह के चीजें करेंगे। तो समझ में आ गया सर? समझ में आ गया। तो अब बात आती है कि आप हमें भी समझाएं कि आपने क्या समझा। तो कैसे बताएंगे? तो मुझे, मैंने आपको जो है तीन मैथमेटिकल एग्जांपल बताया, पहला, दूसरा एंड आपका रहा तीसरा। आप मुझे ऐसे ही 5 से 10 जो है मैथमेटिकल एग्जांपल मुझे करके दीजिए सर। हो जाएगा सर? जी सर। सुनील जी। यस सर। हो जाएगा? हाँ जी। अब अगली, अभी जो मैंने बताया, अब अगली क्लास में हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर का, जिसमें इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू का यूज क्या है, और लॉजिकल फॉर्मूला से शुरू करेंगे। अब लॉजिकल फॉर्मूला से शुरू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लॉजिकल फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हम इसका यूज करते हैं। समझे सर? Yes, sir. एक बार इसको कीजिए, फिर हम बात करते हैं कल के क्लास में। कोई डाउट होगा तो फोन कर लीजिएगा सर। ठीक है, ठीक। और अब जो है, अभी जो अगली 10 क्लासेज होगी, तो उसमें हम रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर फॉर्मूले को सही तरीके से नहीं समझे तो फिर एक्सेल में काम करते समय काफी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, सेम टाइम, ठीक है सर। कल थोड़ी सी क्लास भी लंबी होगी सर, तो कल इस फॉर्मूला हम खत्म करेंगे।